हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभीज क्यूजिन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ समर स्पेशल 6 डिफरेंट टाइप्स के इजी और हेल्दी मिल्क शेक्स, जो बहुत ही आसानी से घर पर बनाए जा सकते हैं। और इन्हें बनाने में सिर्फ 5 मिनट्स या उससे भी कम टाइम लगता है, और ये बॉडी को गर्मियों में कूल और रिफ्रेश रखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड पास में जो बेल आइकन है उसे दबाइए, ताकि मेरी अगली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। स्टार्ट करते हैं ओरियो किटकैट चॉकलेट शेक से, जो बच्चों का बहुत ही फेवरेट होता है। ओरियो किटकैट शेक बनाने के लिए हमें चाहिए 2 किटकैट चॉकलेट्स, 1 पैकेट ऑफ ओरियो बिस्किट्स, हर्शेस चॉकलेट सिरप आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, एंड 1 कप मिल्क। शेक बनाने के लिए मिक्सर जार में सबसे पहले दूध डालेंगे। उसमें हम ऐड करेंगे 4 ओरियो कुकीज़, जिसका हमें क्रीम वाला पार्ट डालना है, 2 किटकैट चॉकलेट्स, एंड 1 to 2 टेबल स्पून हम इसमें चॉकलेट सिरप डालेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून वनीला आइसक्रीम, आप चाहें तो चॉकलेट आइसक्रीम का यूज़ भी कर सकते हैं। देन वी विल ऐड 1 टेबल स्पून शुगर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे अच्छे से बीट कर लिया है, चॉकलेट शेक हमारा बनकर तैयार है। चॉकलेट शेक को ग्लास में डालने से पहले हम ग्लास में थोड़ी सी चॉकलेट सिरप डालकर इस तरह से इसे डेकोरेट कर लेंगे। इससे शेक बहुत ही यमी लगता है और दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है। अब हम इसमें डालेंगे क्रश किए हुए ओरियो कुकीज, जिसे हमने बचा कर रखा था, और जो क्रीम वाला पार्ट है वो हमने शेक में यूज कर लिया था। नाउ वी विल ऐड 1 टेबल स्पून आइसक्रीम, और अब हम इसके ऊपर डालेंगे हमारा तैयार किया हुआ चॉकलेट शेक। इसे हमने पूरा नहीं फिल करना है। अब इसके ऊपर हम फिर से एक लेयर क्रश्ड कुकीज़ की डालेंगे। क्रश्ड कुकीज़ डालने के बाद फिर से शेक डालेंगे। अगेन 1 टेबल स्पून ऑफ क्रश्ड ओरियो कुकीज़। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून वनीला आइसक्रीम, और ऊपर से थोड़ी सी चॉकलेट सिरप और ऐड करेंगे। अब हम इसे किटकैट चॉकलेट और ओरियो बिस्किट से इस तरह से डेकोरेट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना यमी और टैम्पटिंग लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट में हमारा ओरियो किटकैट चॉकलेट शेक बनकर तैयार है। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए और अपने बच्चों के फेस पर एक क्यूट सी स्माइल को एंजॉय कीजिए। अब हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाने के लिए जार में डालिए 1 कप मिल्क, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 to 5 चॉप्ड फ्रेश स्ट्रॉबेरीज। देन वी विल ऐड 1 टेबल स्पून स्ट्रॉबेरी सिरप, यहाँ मैंने हर्षे सिरप का यूज़ किया है फ्रेंड्स, ये ऑप्शनल है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून हनी यानी शहद। Then we will add 1 tablespoon sugar. इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। अब हम इसे भी ब्लेंड कर लेंगे। स्ट्रॉबेरी शेक देखिए बनकर तैयार है। सर्व करने से पहले ग्लास में थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी सिरप डालकर इसे हम इस तरह से डेकोरेट करेंगे। अब इसमें तैयार स्ट्रॉबेरी शेक डालिए। आप चाहें तो ऊपर से आइसक्रीम का यूज भी कर सकते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रॉबेरी शेक भी हमारा बनकर तैयार है। अब हम बनाएंगे ऑरेंज आइसक्रीम मिल्क शेक। ऑरेंज आइसक्रीम मिल्क शेक बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बाउल ऑरेंज पीसेस में कटा हुआ एंड 1 कप ठंडा दूध, 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच शहद। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच वनीला आइसक्रीम, 5 मिनट ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट से भी कम टाइम लगा है हमें इसे बनाने में। ऑरेंज शेक जो ये हमने बनाया है ये फुल ऑफ विटामिन सी है, फाइबर इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। कटे हुए ऑरेंज के पीसेस एंड ऑरेंज स्लाइस लगाकर शेक को सर्व करें। अब हम बनाएंगे रोज गुलकंद मिल्क शेक। रोज गुलकंद मिल्क शेक बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप दूध फ्रीजर में रखा हुआ। फ्रेंड्स, हम ये सारे शेक बनाने के लिए ठंडे दूध का यूज कर रहे हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे गुलकंद। गुलकंद आयुर्वेद में इसे बहुत अच्छा माना गया है, ये बॉडी को कूल रखता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून रोज सिरप, आप चाहें तो रूह अफ़ज़ा का यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून शहद, 5 मिनट ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा रोज गुलकंद मिल्क शेक बनकर तैयार है। ये आई साइड के लिए भी बहुत अच्छा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है, ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है। इस तरह से रोज पेटल्स और कैश्यू नट लगाकर इसे सर्व करें। नेक्स्ट, अब हम बनाएंगे कीवी मिल्क शेक। कीवी मिल्क शेक बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप दूध, 1 कप कीवी कटी हुई, 1 स्पून वनीला आइसक्रीम, 1 से 1.5 चम्मच चीनी। कीवी फ्रूट थोड़ा खट्टा होता है, इसीलिए इसमें शुगर की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा डलती है। इसे भी हम ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कीवी शेक हमारा बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, ब्लेंड करते वक्त मैंने इसमें 1 चुटकी ग्रीन फूड कलर डाला था, जिससे कि इसका कलर बहुत अच्छा आया है, ये ऑप्शनल है। इस तरह से कीवी स्लाइस लगाकर कीवी आइसक्रीम शेक सर्व करें। ये देखिए फ्रेंड्स, स्वीट एंड टैंगी कीवी शेक हमारा बनकर तैयार है। कीवी शेक इज अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर, फुल ऑफ विटामिन सी, के एंड पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम बनाएंगे बादाम केसर मिल्क शेक। बादाम मिल्क शेक बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप ठंडा दूध, 8 से 10 बादाम जिन्हें मैंने 4 से 5 घंटे भिगो कर रखा हुआ था और इसे ग्राइंड कर लिया है, 1 चुटकी इलायची पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच केसर वाला दूध। दूध में केसर डालकर हमने इसे 15 से 20 मिनट के लिए भिगो कर रखा था। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून शहद, 1 से 1.5 चम्मच अब हम इसमें डालेंगे चीनी,
अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बादाम केसर मिल्क शेक हमारा बनकर तैयार है। बादाम को गर्मियों में अगर भिगोकर यूज़ किया जाए तो इसकी तासीर बहुत अच्छी होती है। ऊपर से कटे हुए पिस्ता, बादाम और केसर डालकर ठंडा ठंडा सर्व करें। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने में हमें 5 से भी कम मिनट का टाइम लगा है। बादाम सैफ्रन मिल्क शेक विटामिन डी से भी भरपूर है, आप भी गर्मियों में इसे बनाएं और इन्जॉय करें। तो फ्रेंड्स, तैयार हैं ठंडे ठंडे कूल कूल समर स्पेशल इजी एंड डिफरेंट मिल्क शेक्स। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।